अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ज़रिए ये सवाल आता है कि क्या हम अपने घर के वाटर पंप में एसी मोटर को निकाल कर अगर उसकी जगह डीसी मोटर लगा लें तो क्या इस तरह से हम बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं, यानी एसी मोटर की जगह डीसी मोटर लगाकर सप्लाई के ज़रिए उसे बिजली से चलाई जाए तो क्या इस तरह से बिजली के बिल की बचत हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर तफसीली बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डंकी पंप में एक में एसी मोटर लगी हुई है, एक में डीसी मोटर लगी हुई है। हम पहले एसी मोटर को चला के इसके लोड, इसके वाट्स, इसके एम्पेयर को चेक करेंगे और फिर डीसी मोटर को सप्लाई के ज़रिए चलाएंगे और इसके वाट्स, इसके एम्पेयर को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि अगर हम एसी मोटर की जगह डीसी मोटर को लगा के सप्लाई के ज़रिए चलाएँ तो क्या इस तरह से हमारी बिजली के बिल की बचत हो सकती है या नहीं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एसी मोटर को चलाएंगे और इसके वाट्स, इसके एम्पेयर को चेक करेंगे, उसके बाद हम डीसी मोटर को चलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट सॉकेट है और इसे मैंने मेन बोर्ड में लगा दिया है और इसमें हम मोटर का प्लग इन करेंगे। इसमें हमें इसके वाट्स और एम्पेयर सारा कुछ नज़र आएगा, तो हम इसे चलाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि मोटर रनिंग में भी रहे और हमें यहाँ पे नज़र आए। दोस्तों, यहाँ पे 202 वोल्ट हैं, 2.3 एम्पेयर हैं और अभी थोड़ी देर बाद इसमें हमें इसके वाट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे 296 वाट्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी मैक्सिमम 300 वाट है और 0.61 पावर फैक्टर है। 2.3 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं, 200 वोल्ट हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि इसके जो वाट्स हमें नज़र आ रहा है 287-88, मैक्सिमम 300 वाट्स हम इसे समझ लेते हैं 220 वोल्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए पानी भी खींचा जा रहा है और ये आपको नज़र आ रहा है कि बाल्टी के ज़रिए हम पानी खींच रहे हैं। दोस्तों, हमने इस मोटर का लोड चेक कर लिया है, 2.3 एम्पेयर है और मैक्सिमम 300 वाट हैं इस मोटर के। अब हम डीसी मोटर को सप्लाई पे चलाएंगे और उसके वाट और एम्पेयर को चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 82 एम्पेयर का सर्वर कंप्यूटर का सप्लाई है जो कि मैंने स्मार्ट ई शॉप से मंगवाया है, तो इसके ज़रिए भी हम इस मोटर को चला के चेक करेंगे। ये देखें, हमारे पास एक दूसरा सप्लाई भी है जो कि आमतौर पे डीसी रूम कूलर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके ज़रिए भी हम इस मोटर को चला के चेक करेंगे, इसके ज़रिए भी हम इसके वाट्स को चेक करेंगे और इस 82 एम्पेयर के सप्लाई के ज़रिए भी चला के इस मोटर के वाट्स को चेक करेंगे कि अगर हम बिजली पर इस डीसी मोटर को चलाते हैं तो कितने वाट्स की कंजप्शन होती है। तो पहले हम इस सप्लाई के ज़रिए इसे चला के चेक करते हैं। दोस्तों, हमने इस पावर सप्लाई को मोटर से अटैच कर दिया है और इसमें भी हमने लाइन जैसा कि दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 205 वोल्ट आ रहे हैं, तब हम इस डीसी मोटर को सप्लाई के ज़रिए चलाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 1.2 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं, एम्पेयर इसके कम हैं, इसके वाट जो हैं 232 हैं, पावर फैक्टर 0.95 है, 1.1 एम्पेयर है, उसमें 2.3 एम्पेयर हमें नज़र आ रहे थे, लेकिन इसमें पावर फैक्टर का फ़र्क है, वाट्स का जो है वो तकरीबन 50 वाट का फ़र्क है। यहाँ पे हमें 220-230 वाट मिल रहे हैं देखने को, वहाँ पे जो है हम जब एसी मोटर चला रहे थे तो 280 वाट देखने को मिल रहे थे, यानी 50 वाट का फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी सप्लाई लगाकर हम डीसी मोटर चलाते हैं तो उसके ज़रिए हमें बिजली का बिल का कुछ ना कुछ बचत होती है। दोबारा हम इसे फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, 1.1 एम्पेयर हैं जबकि 2.2 एम्पेयर हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, वाट जो है 212 नज़र आ रहा है, यानी जैसे जैसे मोटर रनिंग में आ रही है इसके वाट्स कम हो रहे हैं, पावर फैक्टर 0.95 है और एम्पेयर जो है फिर दोबारा से हमें नज़र आ रहा है, यानी हमें दोनों मोटर के लोड में 50 वाट का फ़र्क नज़र आ रहा है। क्योंकि ये मोटर हम 82 एम्पेयर के सप्लाई पे चला रहे हैं, अब हम एक छोटी सप्लाई पे चला के चेक करते हैं कि क्या छोटी सप्लाई पे चलाने से इस मोटर के एम्पेयर कम होते हैं, वाट्स कम होते हैं या यूं ही रहते हैं। दोस्तों, हमने सप्लाई को भी मोटर से अटैच कर दिया है, वाट्स हमें यहाँ पे वोल्ट इस वक्त थोड़े से बढ़ गए हैं, 200 वोल्ट पहले आ रहा था तो अभी 210 वोल्ट के करीब हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्पेयर 0.0 है, इस पर अभी कोई लोड नहीं है। दोस्तों, हम छोटी सप्लाई के ज़रिए इस मोटर को चला रहे हैं, यहाँ पे 1.4 एम्पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे 190 वाट, 195 वाट देखने को मिल रहे हैं, यानी 80 वाट का फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। उस सप्लाई की वजह से वाट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहा था, यानी हम छोटी सप्लाई के ज़रिए इस डीसी मोटर को चलाते हैं तो हम बिजली के बिल की अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर भी हमें कम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 1.4 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं
और वाट जो है 195-96, मैक्सिमम 200 वाट आ रहा है, जबकि इससे पहले हमने एसी मोटर में देखा था 280 वाट थे, और जब हम इसी मोटर को डीसी सप्लाई पे बड़े सप्लाई पे चला रहे थे तो उस वक्त इसके वाट 230 थे, यहाँ पे हमें 195 वाट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों पूरा 80 वाट्स का फ़र्क है। और यहाँ पे हमने पानी भी बाल्टी में लगाया हुआ है, मोटर पानी खींच भी रही है, मोटर पानी फेंक भी रही है। अगर हम इस मोटर के ज़रिए नीचे वाले टैंक को भरेंगे तो सेम हमें यही एम्पियर यही वाट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम पानी ऊपर चढ़ाएंगे तो उस वक्त थोड़े इसके वाट्स बढ़ जाएंगे। उस वक्त एसी मोटर पर भी वाट्स बढ़ जाता है और डीसी पर भी, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि हम डीसी मोटर लगाकर बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। इस बात से अंदाज़ा कर लें कि 80 वाट का फ़र्क आ रहा है। अगर हम 10 घंटा इस मोटर को मुसलसल चलाते हैं तो बिजली वाले मोटर की नस्बत ये मोटर चलाने से हमें 800 वाट्स की बचत हो जाती है, जबकि 1000 वाट्स का एक यूनिट होता है। ये देखिए आप मोटर में पानी चल रहा है और प्रेशर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों अब दोबारा से हम इस मोटर को चला के चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 50 फीट पाइप का रोल बनाया है कि अगर हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो उस वक्त हमारे मोटर का जो है वाट्स कितने होते हैं और डीसी मोटर के वाट कितने होते हैं। यहाँ पे हमने 50 फीट पाइप को इस तरह से फोल्ड कर दिया है कि इसके ज़रिए मोटर पर जोर पड़े और मोटर के वाट बढ़ें। इस बात को आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा फोल्ड नहीं होता है पानी को ऊपर चढ़ाने में, यानी सीधी सीधी पाइप जाती है, 2-3 बैंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पूरी पाइप को फोल्ड कर दिया है कि मोटर पे ज़्यादा जोर पड़े और मोटर के हमें रियल एम्पियर पता चल सके। तो अब हम दोबारा से इस मोटर को चला के इसके वाट्स चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने स्मार्ट सॉकेट का प्लग इन कर दिया है, वोल्टेज इस वक्त थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, 250-60 यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसे चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें इस वक्त 400 वाट के करीब करीब देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है इस वजह से थोड़े से वाट्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2.9 एम्पियर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, 386 वाट्स हैं और पावर फैक्टर जो है 0.5 हमें देखने को मिल रहा है। 3 एम्पियर करीब करीब ये मोटर लोड ले रही है। इससे पहले हमने छोटी पाइप लगाकर इस मोटर के एम्पियर को चेक किया था, वाट को चेक किया था, तो उस वक्त इसके वाट 280 थे और इस वक्त इसके वाट जो है हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 फीट पाइप हमने आगे लगाया है तो जाहिर है 50 फीट तक पानी को धक्का देने में इस मोटर पे लोड पड़ रहा है, तो 100 वाट का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। ये देखें 380 और 378 इस तरह के इसके वाट हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ऑन है और यहाँ पे इसके जो हमने बाल्टी से पानी खींच लिया और उसी में पानी डाल रहे हैं। अब हम इस मोटर को बंद करते हैं और डीसी मोटर को चला के चेक करते हैं। दोस्तों हमने डीसी मोटर में पाइप वगैरह लगा के सेट कर दिया है। अब हम पहले इसे इस सप्लाई पे चला के चेक करेंगे, उसके बाद इसे छोटी वाली सप्लाई पे चलाएंगे। दोस्तों इस वक्त 250 वोल्ट आ रहे हैं, 1 एम्पियर ये मोटर पूरी ले रही है, और यहाँ पे अगर हम इसके वाट देखते हैं 245 वाट हमें देखने को मिल रहे हैं, 250 के करीब करीब जा रहे हैं, और पावर फैक्टर जो है वो 0.9 है। तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, वोल्टेज 250 प्लस हैं, लेकिन हमें एम्पियर और वाट जो है मैक्सिमम उसी के बराबर नज़र आ रहा है, 245 वाट है। इससे पहले 230 वाट हमें देखने को मिल रहा था, यानी हमने छोटी पाइप में लगा के चेक किया था तो 230 वाट देखने को मिल रहा था, उस वक्त वोल्टेज 200 थे। इस वक्त 250 वोल्ट आ रहे हैं, तो इस वक्त हमें वाट थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अगर डीसी मोटर के ज़रिए पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे जो है इसके वाट्स में फ़र्क नहीं आता। अगर हम सप्लाई के ज़रिए डीसी मोटर चलाएंगे तो इसके वाट्स में फ़र्क नहीं आता है। एसी मोटर के वाट में फ़र्क आता है, उसके एम्पियर में फ़र्क आता है, लेकिन डीसी मोटर के वाट्स में फ़र्क नहीं आता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें 235 वाट हमें देखने को अभी मिल रहा है, सर इसके वाट जो है 230 से लेके 240-245 तक है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्रेशर से ये पंप पानी को फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आप पाइप का पीस भी देख सकते हैं। अब हम इसकी जगह छोटी सप्लाई को लगाएंगे, यानी रूम कूलर जिस सप्लाई से चलाई जाती है उस सप्लाई के ज़रिए हम इस मोटर को चलाएंगे और देखेंगे कि इसके वाट्स में कितना फ़र्क आता है। दोस्तों हमने इस सप्लाई को भी मोटर से अटैच कर दिया है और अब हम इसे चलाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 215-214 वो वाट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हमने इसी सप्लाई पे चलाया था, उस वक्त डिलीवरी पाइप हमने छोटा सा लगाया हुआ था, उस वक्त इसके वाट 200 से नीचे थे, यानी 190-200 के दरमियान थे। इस वक्त इसके वाट जो है हमें 210-220 के दरमियान नज़र आ रहे हैं, यानी इस वक्त हमें 15-20 वाट का फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी इस सप्लाई के ज़रिए हम डीसी मोटर लगा के पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो तकरीबन 20 वाट्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैंने हर जाविये से हर एंगल से डीसी और एसी मोटर के वाट्स इसके एम्पियर को एक्सप्लेन किया है कि किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।